चीज कटलेट। सही सुना आपने, हम आज बना रहे हैं ब्रेड चीज कटलेट, जिसके इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे तैयार करके रखे हैं मसाले के अलावे। मैं बना रहा हूँ आज अपनी वाइफ और अपने भाई के लिए स्पेशल। आज ऐसे मन किया, चलो आपको इंग्रेडिएंट बताता हूँ क्या क्या है। ब्रेड, ब्राउन ब्रेड जो कि हमारे घर पे था। ये ऑप्शनल है ना, आप चाहें तो व्हाइट हाँ, ब्रेड भी व्हाइट ले ब्रेड भी सकते ले हैं। सकते हो, बट ब्राउन ब्रेड व्हीट का है। अनियंस, प्याज, कैरेट, बॉइल्ड पोटेटोज, चिली, गार्लिक, एंड वी हैव सम अमूल मोजरेला चीज विच इज ग्रेटेड ऑलरेडी। सो ये आपको किसी भी शॉप पे पैक मिल जाएगा, आप खरीद सकते हो। और अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी हम ब्रेड को मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। ब्रेड को तो थोड़ा कोर्स उसको ग्राइंड ओके करेंगे। लेट्स तो ये ब्रेड को मैं इसमें ऐसे ही ब्रेक करके और इसको जार के अंदर डाल दूंगा। आप तो ये हमारा ब्रेड हो गया ग्राइंड, आई होप। ये देखिए, तो ओके हम ब्रेड अपना ब्रेड ऐसे ग्राइंड कर लेंगे और इसको हम, क्रम्स हाँ बनाने के लिए। जी, और ये हमारा ब्रेड क्रम्स बन गया। सो आज हम पूरा कटलेट ब्रेड क्रम्स से ही बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे मैश पोटैटो, जो कि हमारा बॉइल्ड पोटैटो। सो ये हो रहा है पोटैटोस मैश। जो बॉइल्ड पोटैटोस थे उसको हम सेमी मैश कर रहे हैं, तो इसका चाहे तो पहले से मैश करके रख सकते हैं, मैं भूल गया मैश करना। तो अभी आलू मैश हो जाने के बाद इसको हम डाल देंगे इस ब्रेड क्रम्स में। तो मैंने 8 आलू लिया है, सॉरी 8 ब्रेड लिया है, और करीब 6 आलू थे मेरे पास, मीडियम साइज, स्मॉल स्मॉल मीडियम साइज के, तो वो मेरा रेशियो है। और इसके साथ एक छोटा सा गाजर है जिसको जो मैं कि इसमें, बचा हुआ था, हाँ जो कि था मेरे पास। और भी और कोई वेजिटेबल्स डाल सकते हैं ना आप इसमें। चाहें तो इसमें बीट रूट डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट्स कैप्सिकम, डाल सकते हो। कैप्सिकम कटलेट में अच्छा नहीं लगेगा, बट आपको अगर मन हो तो डाल सकते हो। और ये अनियंस, अनियंस आप डाल सकते हो अपने पसंद के साथ, ज़्यादा ग्रीन चिली आप कम ज़्यादा कर सकते हो स्पाइसी के हिसाब से। अभी ये सब कुछ डालने के बाद इसमें हम डालेंगे मसाले। तो मसाले में सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर बहुत कम, अगर आप स्पाइसी खाते हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। और उसके बाद डालेंगे इसमें गरम मसाला, गरम मसाले के बाद ये आमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो, और इसको भी थोड़ा सा, ये समझो आप हाफ हाफ टी स्पून, नॉट टेबल स्पून, टी स्पून छोटी चम्मच से आप हरा डाल सकते हो इसको। ये सब कुछ डालने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मैश करके और इसका एक डो बना लेंगे। तो आप इसको पूरी अच्छे तरीके से मिला लीजिए और इसका एक डो तैयार कर लीजिए, जो कि हम नॉर्मल आटे की तरह होगा। तो इसको हम अभी मिक्स करते हैं। हमारा डो तैयार हो गया है, आप देखो कितना अच्छा से ये बाइंड होने के लिए रेडी है। अभी इसको करना कुछ नहीं है, आपको अपने साइज शेप के हिसाब से इसको हाथ में लेना है, और आप चाहो तो इसको राउंड शेप में, ओवल शेप में, कटलेट की जैसा हार्ट शेप में अगर आप चाहो तो। अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ कटलेट की जैसा तो इसको बना देता हूँ, बट इससे तो अभी हम इसको फाइनल शेप देने से पहले इसको ऐसे राउंड करके और इसके अंदर हम चीज स्टफ करेंगे, और उसके बाद हम इसको फाइनल शेप देंगे। तो आप थोड़ा सा इसके अंदर ऐसे इसको ऐसे जगह बना करके चीज के लिए, और इसके अंदर इस तरीके से चीज को स्टफ करके अंदर प्रेस करते हुए, और इसको फिर हम ऐसे क्लोज कर देंगे, और क्लोज करके वापस इसको एक कटलेट का शेप दे देंगे। तो ये जैसे हमारा फर्स्ट बॉल कटलेट का, उसको कटलेट का शेप देते हैं अच्छे से।
ठीक है, तो इस तरीके से हम बाकी के लिए भी सेम अलग अलग शेप में यहाँ पे सेम शेप में बना करके पहले इसको तैयार कर लेंगे, उसके बाद इसको डीप फ्राई करेंगे। तो ये हमारे कटलेट्स हो गए हैं रेडी फ्राई होने के लिए। अभी मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए चढ़ाया है, सो बस इसको डीप फ्राई करेंगे और इसको गर्मा गर्म चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो इसको अभी हम डीप फ्राई के लिए डालेंगे इसको तेल के अंदर। तो हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे डीप फ्राई, जब तक ये अच्छे तरीके से ब्राउन ना हो जाए। अभी अभी स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं ब्राउन होना स्टार्ट हो रहा है। तो इसको कम से कम 3 से 4 मिनट लगेगा फ्राई होने में, अच्छे तरीके से फ्राई होना ज़रूरी है ताकि ये पक पाए। अगर तेज़ आँच पे करेंगे तो ये जल्दी कच्चा रह जाएगा अंदर, तो इसको थोड़ा मीडियम आँच पे ही पकाएंगे। तो अभी ये अब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, सो अब हम इसको निकाल सकते हैं। फ्राई हो चुका है ये अच्छे तरीके से, देख सकते हो आप कितना प्यारा कलर है, तो इसको निकालते हैं बाहर। ये हमारा कटलेट और ये देखिए इसके अंदर का चीज़। ये है हमारा ब्रेड चीज़ कटलेट रेडी, और ये ऐसा दिखता है। मैंने इसको हरी चटनी, धनिया पत्ता, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन की चटनी है, टोमेटो केचप है, और हमारा ब्रेड कटलेट जिसमें आप देख सकते हो, इसमें देखो ये चीज़ इसमें काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। सो इसको भी हम ट्राई करते हैं, आप भी ट्राई करो। सो अपने घर पे ये रेसिपी बनाओ, आप ट्राई करो और बताना कि कैसा बनता है। आप मैंने तो मुझे लगता है काफ़ी टेस्टी बना, मैंने पहले बनाया, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा स्नैक्स है, बहुत जल्दी बन जाता है। नॉर्मल ब्रेड कटलेट जो हम बनाते हैं उससे काफ़ी अच्छा लगेगा एकदम, जो आपको बाहर बाज़ार में मिलता है उस तरीके से, और घर पे बनाओगे तो उससे काफ़ी हेल्दी है। सो इसको ट्राई करो आप बनाने का घर पे, और फिर आप मुझे बताना अगर आपने ट्राई किया तो कि आपको कैसा लगा। और मेरी रेसिपी अगर पसंद आई, हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है, तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपना कमेंट हमारे वीडियोस पे आप शेयर कर सकते हो जब भी चाहो। तो तब तक के लिए अभी चलते हैं, हमारा कंटेंट ठंडा हो जाएगा उससे पहले। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नए कुछ चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरी वन, सी यू।